हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखिए 44 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है, 1 मीटर कपड़ा लिया है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे आपको अच्छे से सब समझ में आए। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगी कि किस तरीके से माप लेते हैं और किस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले माप लेना सिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें ब्लाउज से माप लेना चाहिए। तो देखिए, मैंने ब्लाउज को पहले इस तरीके से उल्टा रख देना है और ब्लाउज की लंबाई लेनी है हमें। तो देखिए, इस तरीके से शोल्डर से हमें इंची टेप को रखना है और नीचे तक मापना है कितनी आ रही है हमारी। 15 इंच हमारी ब्लाउज की लंबाई है। अब देखिए, हमें क्या करना है, ब्लाउज की चौड़ाई लेनी है यानी चेस्ट का। तो इस तरीके से जहाँ से हम हुक लगाते हैं या फिर काज बनाते हैं उस साइड से हमें लेना है। तो देखिए, जो हमारे फिटिंग का निशान होता है ना, वहाँ से हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, उस तरीके से थोड़ा खींच कर देखना है कि हमारा चेस्ट का कितना आ रहा है, 11 इंच। ये देखिए, थोड़ा खींच के इस तरीके से आपको लेना है, वीडियो में देख रहे हो तो 11 इंच हमारा चेस्ट का आ रहा है। अब देखिए, हम कमर का लेंगे तो जहाँ से हम फिटिंग की सिलाई थी वहाँ से ही हम लेंगे कमर। तो कमर हमारी 9 इंच आ रही है। आप ये सब कॉपी में लिख लेना जिससे आपको ये सब याद रहे कि किस तरीके से मैं माप ले रही हूँ। तो इसे आपको हमेशा याद रहेगा कि हमें किस तरीके से माप लेना है। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए, गले को हम इस तरीके से अच्छे से रख लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करके हम गले की लंबाई लेंगे। तो देखिए, गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच आ रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से बता रही हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से शोल्डर से 6.5 हमारी इस तरीके से गले की लंबाई आ रही है। गले की चौड़ाई देखिए हमारी यहाँ से 3 इंच पे आ रही है। अब देखिए, हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर देखिए, यहाँ से हम यहाँ तक मापेंगे 3 इंच। तो शोल्डर में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच हम शोल्डर लेंगे। अब देखिए, हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज को रख लेना है। अब ब्लाउज को रख कर हम देखिए, जहाँ तक फिटिंग का सिलाई थी वहाँ तक मापेंगे। तो देखिए, कहाँ तक आ रहा है हमारा, 6.5 इंच। तो ये देखिए, हमारे आर्म होल की लंबाई हमारी 6.5 इंच आ रही है इस तरीके से। अब देखिए, हम पीछे की गले की लंबाई लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से रखेंगे इंची टाइप को शोल्डर से, और गले की लंबाई हमारी 8 इंच आ रही है। अब हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई देखिए, इस तरीके से लेना है हमें। तो 8.5 हमारे स्लीव्स की लंबाई है। अब इस तरीके से स्लीव्स को अच्छे से रखना है, ऊपर से इंची टेप को सीधा रखना है। और जो हमारी सिलाई है वहाँ तक देखेंगे तो 8 इंच हमारी सिलाई, स्लीव्स की चौड़ाई 8 इंच है। अब देखिए, यहाँ से हम बाजू की फिटिंग लेंगे। तो बाजू की फिटिंग हमारी आ रही है 7.5 इंच। इस तरीके से आप ब्लाउज का माप आसानी से लेकर अपना ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही थी आप पूरा ध्यान से वीडियो देखना जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से बिछा लिया है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो जो हमारी लेंथ थी उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 15 थी उसमें 1 इंच प्लस करेंगे यानी 16। तो 16 इंच हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई में हमें 1 इंच प्लस करना चाहिए। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच थी और 3.5 इंच हमारा शोल्डर था। तो देखिए, 3 इंच था तो उसमें 1/2 इंच मिला ऐसे 3.5, और आर्म होल हमारा 6.5 इंच था। अब चेस्ट का हमारा हमने देखा था 11 इंच था। तो हम देखिए, इस तरीके से 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस कमर हमारी 9 इंच थी तो 9 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और 1 इंच हम टक्स का ले लेंगे। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से स्केल से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हम मार्जिन लेंगे। तो मैं मार्जिन यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, स्केल से इसको मिला देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को पेपर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पेपर लिया है और जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था उसे हम पेपर पर रखकर सेम ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए, इस तरीके से सेम हम डाउन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सेम उसे सीधी लकीर कर लेंगे हम स्केल से। उधर आर्म होल की भी हम निशान लगा लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे। कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ इसीलिए। और गले की चौड़ाई देखिए, हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे।
इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए हमें बेल्ट का निशान लगाना है, तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का, और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से 1/2 इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। 1/2 इंच इसलिए हम डाउन करते हैं जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए, इसीलिए। तो देखिए इस तरीके से अब हम कटोरी का माप लेंगे, तो मैं कटोरी का माप लेना भूल गई थी। तो देखिए इस तरीके से ब्लाउज हमारे जो हम हुक लगाते हैं उसी साइड से हमें कटोरी मापनी है, हमारी कटोरी कितनी इंच की है। तो ये देखिए हमारी कटोरी 6.5 इंच की है, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और उसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए मैं ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है, ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है, उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 1/2 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा इसीलिए, तो बेल्ट में 1/2 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है, इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है इसीलिए। तो देखिए मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें, और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए हम दूसरा पेपर ले लेंगे, ये देखिए। अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है, ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें, और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है, यहाँ से यहाँ तक का, और भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए, और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। ऊपर से भी देखिए हम 1/2 इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं, इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारी कटोरी की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें मैं टक्स का निशान लगाना बताती हूँ आपको। इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लेना है, और जो हमारी कटोरी थी 6.5 इंच, इसमें 1/2 इंच प्लस करना है और उसका हाफ़ करना है, तो 3.5 होता है, और 3.5 पे निशान लगाकर इसकी लंबाई हमें 2.5 इंच का टक्स की निशान लगाना है। और देखिए हमारा कितना अच्छे से परफेक्ट पफ आया है। तो अब देखिए हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो मैंने देखिए सब पार्ट्स इस तरीके से अस्तर पर रख दिए हैं, उसे रख कर हमें सेम ड्रॉ कर लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से सारे पार्ट्स को हमें अच्छे से रखना है। ये देखिए मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब सारे पार्ट्स को हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे पार्ट्स, इस तरीके से हमें सारे पार्ट्स कट करने हैं।
ये देखिए हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़ा लेना है, कपड़े को इतना फोल्ड करना है जितनी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई आए। तो स्लीव्स की चौड़ाई हमारी 8 इंच थी, इसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन का, तो 10 इंच। तो हमें चौड़ाई 10 इंच लेनी है स्लीव्स की, और लंबाई हमारी 8.5 थी तो उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे, 9.5 इंच। तो हमारी जो स्लीव्स की लंबाई होती है उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं, और स्लीव्स की चौड़ाई में हम 2 इंच मार्जिन का प्लस करते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स की शेप दे देंगे, और यहाँ से हम फिटिंग लेंगे। फिटिंग में भी हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, तो फिटिंग 7 थी उसमें 2 इंच मार्जिन कर लेंगे, 9 इंच पे निशान लगा लेंगे, और उसको देखिए इस तरीके से स्केल से हम मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे छोटा सा हम कट का निशान लगा लेंगे बीच सेंटर में। अब जो हमारा यह कपड़ा है यहाँ पे इसे हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से स्लीव्स में जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए मैं इसे ब्लाउज के कपड़े पर तुम्हें सारे पार्ट्स कटिंग करना बताती हूँ। हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं, तो ब्लाउज के कपड़े पर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके बन साइड से हमने बैक पार्ट रखा है, और बाकी हम सारे पार्ट्स इस तरीके से हमें रख लेने हैं, और 1/2 इंच की दूरी से हमें कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से, आधा इंच हमें मार्जिन जितना छोड़कर हमें कट करना है अस्तर को। ये देखिए ब्लाउज के कपड़े को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज की देखिए आसानी से कटिंग कर सकते हैं, कोई भी साइज़ हो उसकी कटोरी ब्लाउज की। तो इतने आसान से, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है कटिंग का, तो आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने बेल्ट भी कटिंग कर ली है। अब देखिए स्लीव्स कटिंग करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से डबल कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, जो हमने स्लीव्स कटिंग की थी उसे स्लीव्स को इसके ऊपर रख देना है, और स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से रखना है और स्लीव्स की कट कर लेंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये देखिए हमारे सारे पार्ट्स कट चुके हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कटोरी को मैंने अस्तर के साथ अटैच कर लिया है सिलाई करके, और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमारे जो कटोरी थी 6.5 इंच की थी उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे, यानी 7 का हाफ करेंगे 3.5। तो 3.5 पर हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसकी हमें लंबाई रखनी है 2.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, उसकी लंबाई हमें 2.5 इंच रखनी है। ये देखिए इस तरीके से, और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। ये देखिए, अब फिर से मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए ये हमारी कटोरी है, अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस कोने से हमें इंची टेप को रखना है, और 3.5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से, और इस पर भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े को इधर से कट कर लेंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट हमारा कटोरी का शेप आया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए हम इसे साइड में इसे अटैच करेंगे। तो ये भी मैंने सिलाई करके अटैच कर लिया था अस्तर से। अब देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है, और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। ये देखिए, अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हो तो आप सुई धागा से कच्चा करके करें, तो इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और इस तरीके से देखिए हम सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। ये देखिए, देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने अटैच कर लिया है। अब हम नीचे की बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमारी बेल्ट है, इसको मैंने सिलाई करके अटैच नहीं किया था। तो देखिए इसे हमें क्या करना है, जो हमारा अस्तर की बेल्ट है, देखिए जो अस्तर में हमने कटिंग की थी उसे नीचे की तरफ से रखेंगे, और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। अब देखिए इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और हमने जो सिलाई करी थी उस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। ये देखिए दोनों साइड हमने अटैच कर लिया है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसके अंदर रखेंगे, ऊपर से इसे कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी बेल्ट लग चुकी है। अब हम इसके किनारे पे सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम नीचे की तरफ किनारे पे सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए 3 इंच की पट्टी लेनी है हमें, उसे नीचे की तरफ से रखना है इस तरीके से और इस पर सीधी सिलाई करनी है। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेनी है हमें, उसे ऊपर की तरफ से रखनी है और सीधी सिलाई करनी है। अब इस पट्टी को देखिए इस तरीके से पलटकर पट्टी के ऊपर हमें किनारी पे सिलाई करनी है। देखिए ये वाली पट्टी को हमें वहाँ तक फोल्ड करना है जहाँ तक हमने सिलाई करी थी, आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से, और इसकी किनारे पे हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को हमें पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और किनारे पे सिलाई करना है। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से रखेंगे, दोनों को माप कर देखेंगे इस तरीके से कि बराबर है कि नहीं। अगर छोटा बड़ा हो रहा हो तो उसे कट करके हम सेट कर लेंगे गले को। ये देखिए इस तरीके से दोनों गले हमारे बराबर हो चुके हैं। अब हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो मैं डोरा पाइपिंग लगा रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं गले में। अगर डोरा पाइपिंग नहीं आती तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके आप डोरा पाइपिंग बनाना सीख सकते हैं। अब देखिए हम गले में छोटे छोटे कट के निशान लगा देंगे, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने गले पे पाइपिंग लगा ली है। इसी तरीके से दूसरे गले पे भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो देखिए दोनों गले पे हमने पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया है। हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है, अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट है। अब हम इसमें गले की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच है और गले की लंबाई हमारी 8 इंच थी, और एक बॉक्स बना लेंगे। आप चाहे तो सिंपल गोल गला भी बना सकते हैं और आप चाहे तो डिज़ाइन वाला भी बना सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से सिंपल डिज़ाइन बनाई है। अब देखिए इसे हमें कपड़े को सीधा रखना है, ब्लाउज के कपड़े को, और उसके ऊपर हमें इसे अस्तर को इस तरीके से रखना है, और गले का जो हमारा शेप बना है उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने पूरे गले पे सिलाई कर ली है। अब हम नीचे की तरफ भी सीधी सिलाई करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेके।
देखिए अब हम गले को कट कर लेंगे। सिलाई से हमें आधा इंच की दूरी पर हमें गले को कट करना है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे जिससे हमारे गले की फिनिशिंग आएगी। अब हम इसे पलट लेंगे, देखिए इस तरीके से, और गले पर हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। पूरे गले पे हमें किनारी पे सिलाई करनी है। अब हमें नीचे की तरफ से भी किनारी पे सीधी सिलाई करनी है। अब हम कपड़े को ब्लाउज के कपड़े से अस्तर को अटैच कर लेंगे सिलाई करके, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। ये देखिए अब हम टक्स का निशान लगाएंगे, तो बीच सेंटर से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके पे 4 इंच पे निशान लगाना है। इसकी लंबाई हमें 5 इंच रखनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमें नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेकर टक्स लगाना है। ये देखिए मैंने दोनों टक्स कर लिए हैं। अब हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे, गले पर लेस लगाएंगे, आप चाहे तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। नीचे की तरफ भी हम सीधी लेस लगा लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। आप इसमें शो पीस के लिए इस तरीके से बटन भी लगा सकते हैं। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो इस तरीके से पार्ट को रख लेंगे और दोनों पार्ट्स को इसके ऊपर इस तरीके से हम रख लेंगे और शोल्डर पर डबल सिलाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। ये देखिए हमने शोल्डर दोनों जॉइंट कर लिए हैं। अब हम देखिए स्लीव्स तैयार करेंगे, तो ये देखिए स्लीव्स है हमारी, इस तरीके से रखना है और सीधी सिलाई करनी है। अब देखिए इसे इस तरीके से पलट कर इसकी किनारी पे हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए अस्तर को हम ब्लाउज के कपड़े से अटैच करके एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है, दोनों स्लीव्स इसी तरह से हमें तैयार करनी है। अब देखिए इस तरीके से शोल्डर को रखेंगे और बीच सेंटर से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सिलाई करनी है। अब देखिए हम दूसरे साइड से भी आधे में सिलाई करेंगे। अब हम इस पर डबल सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी अटैच करनी है। ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है।
ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए। अब दोनों पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। सेम दूसरी साइड भी हमें यही इसी तरीके से करना है। अब देखिए इसे उल्टा कर लेंगे हम। उल्टा करने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें करना है। ये देखिए अब हम देखिए ब्लाउज में फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज को हम अच्छी तरह से इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए अब हमारी कमर थी 9 इंच, तो देखिए इस तरीके से 9 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। चेस्ट हमारा 11 था, तो यहाँ से हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको मिला देंगे। बाजू की फिटिंग हमारी 7.5 इंच थी, तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसको इस तरीके से हम देखिए मिला लेंगे। सेम दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। कमर हमारी 9 इंच, चेस्ट हमारा 11, इन दोनों को मिला लेंगे। और बाजू की फिटिंग हमारी 7.5 इंच थी और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया इस पर हम सिलाई कर लेंगे। आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज में फ़िटिंग का निशान आसानी से लगा सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज में फ़िटिंग कर सकते हैं। देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।